एक्सिस जो कि हर लड़की का गिरता है। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो अभी अभी हुआ है दोपहर। तो अभी दोपहर के टाइम में मैं चाय खा रही हूँ, वो भी मूवी के साथ। अब तो मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है क्योंकि घर का सारा काम कर लिया, तो मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ। तो देखिए ये वाला सारा पोत दिया है और हमारा छठ पूजा आ रहा है, बहुत ही खुशी का दिन आ रहा है। दोस्तों, अभी हम पीछे की तरफ ग्रीन स्क्रीन भी लगाने वाले हैं, तो हाँ वीडियो शूट करने के लिए अभी धो धो के के रखा रखा है। गया है गैस। और बाकी ये अभी बीमार है तो चाय पी रही है, खाना नहीं खा पा रही है कई दिनों से। ठीक हाँ है, तो अभी चाय मूढ़ी के साथ अभी पी रही है, या आप कह लो मूढ़ी खा रही है। बंधु 3 दिन तोर बढ़ते गेलम देखा पैलम ना, बंधु 3 दिन। सो गाइस अभी देख सकते हो मैं रेडी हो चुका हूँ और मेरा हस्बैंड उधर है। क्या खा रही ये हो? नकपल तुम्हारे लिए नहीं लेके आया था ना, खाओगे? खाऊंगा अब तो मैं चॉकलेट खाऊंगा। ओ चॉकलेट हाँ क्या? किटकैट? किटकैट चॉकलेट लाओ। ठीक है, मैं और लाता हूँ, मैं वेट करो। रेडी हो चुका हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए, पर मेरा हस्बैंड डॉक्टर को कॉल किया, वो बोला कि घर पे नहीं है, इसलिए तो आज नहीं जा पाऊंगी, कल जाऊंगी। तो मेरा हस्बैंड अभी आया है लेकर। थैंक यू। ये वाला नहीं दोगी क्या? रखो नहीं इधर। तो कल सुबह जाऊंगा। कितना बजे? कल सुबह 8 बजे जाना है डॉक्टर के पास। मैंने कॉल किया था लेकिन अभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, वो बिजी है बोला। ठीक है, तो कल सुबह का फिक्स हुआ अभी, तो कल खुल दो सुबह। ना। तो मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहना चाहती हूँ जो कि हर लड़की को वो प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम यार? फर्स्ट खा लू। हाँ, तुम तुम खाओ ना। तो गाइस अभी मैं दिखाने वाली हूँ एक चीज जो कि हर लड़की का गिरता है। हर लड़की का एक ही प्रॉब्लम है, वो मैं दिखाती हूँ। ठीक है क्या गिरता है आप लोग बताना जल्दी से हाँ। जल्दी कमेंट तो बॉक्स में। तो अभी सुचित्रा लाने जा रही है, वो चीज दिखाएगी आपको आज लाइव कैमरा के अंदर। तुम्हें बोलना पसंद तो सुचित्रा ला रही है जो उसका गिरता है एवरीडे ना। है, एवरी डे गिरता है। बिलीव नहीं करोगी गाइस, सारा मेरा बहुत अफसोस हुआ है। अब मुझे क्या है ये चीज बोलो। बाल देखिए गाइस, ओ माय गॉड, इतना सारा तुम्हारा बाल! बिलीव नहीं, कोई भी बिलीव नहीं करेगा। रियली देखो ये सारा सुचित्रा का बाल देखो कितना झड़ा है। और तुम्हारा बाल दिखाओ, ये हे गाइस, नकली नहीं है गाइस, ठीक है, ओरिजिनल बाल है गाइस। सारा मतलब कंघी करके ये निकला है, इतना मतलब 1 साल में इतना हुआ ना, हाँ 1 साल में इतना हुआ गाइस। अभी देखो कितना कम चुका है उसका बाल, बहुत ज्यादा देखिए था गाइस, गाइस अभी तो नहीं है। बहुत कम है गाइस। देखो ना, इतना बाल अगर झड़ेगा यार एक आदमी का, ओ माय गॉड, आप सोच सकते हो गाइस देखो कितना है, सोचो। ये तो एक एक नहीं है गाइस, देखो एक गोटा गोटा है। देखिए देखिए गोटा गोटा है, कितना बाल! सच में मुझे बहुत बुरा लगता है अभी, क्योंकि अभी मेरा बाल ही नहीं है। देखो पहले तो इतना था। बहुत ज्यादा था गाइस, ये आप हाँ देख सकते हो, इतना अगर 1 साल में झड़ा है तो कितना बाल झड़ा होगा। ओ माय गॉड, सच में पहले तो मैं
एक महीने के बाद बाद सिर धो रहा था, सिर में शैम्पू वगैरह लगाया था क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होता था इस बालों को लेके, इतना ज्यादा बाल मैं कैसे संभालूंगी, इसलिए बहुत तकलीफ होता था। और मैं बोल रहा था कि मेरा इतना बाल झड़ जाने से, आधा झड़ जाने से ठीक होगा, मेरे लिए उतना ही काफी, बट अभी इतना गिर रहा है कि मैं क्या बोलूं। देखिए अब तो ऐसे करूंगी तो ऐसे भी है, देखो अभी भी आ गया। जितना बार कंघी करता हूँ उतना बार गिरता है, अभी तो बहुत अफसोस हो रहा है मेरे को। तो आप देख सकते हो गाइस, इसका बाल इतना सारा जमा करके रखी है। हाँ सच में बहुत अफसोस होता है। और आप लोग लड़की जो है तो प्लीज बताइएगा कि तेल है जो बालों पे लगाने से बाल गिरना बंद हो सके, तो प्लीज बताइए। अभी मैं बहुत दुखी हूँ इस बालों को लेकर। सो गाइस, आप लोगों को हम पूछना चाहते हैं, अगर किसी को पता है कि बाल कैसे मतलब ये स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, या कोई अगर ऑयल वगैरह है तो आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि इसका जो बाल है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा झड़ता है। आप लोगों को जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कितना सारा बाल है, आप देखो ना गाइस, मतलब क्या बोलो यार, बहुत ज्यादा झड़ता है। इसका बाल बहुत ज़्यादा था पहले। मेरा जितना गिर गया है ना उतना एक लड़की का नहीं होगा। हाँ। मैं जब लड़की थी तब तो मेरा बाल बहुत ही ज्यादा था, तो वो फोटो मैं आपको एक दिन ना एक दिन दिखाऊंगी। अभी तो वो फोटो मेरे पास नहीं है, तो दिखाऊंगी बालों का इतना ज्यादा बाल।